ये किस्सा जुड़ा है भारतीय सिनेमा जगत की शुरुआती दौर की अभिनेत्री ललिता पवार से। आपने ज्यादातर फिल्मों में ललिता पवार को ज्यादातर फिल्मों में एक कड़क सासू माँ के किरदार में या फिर एक चरित्र अभिनेत्री के रूप में देखा होगा। लेकिन आपको बता दें, ललिता पवार का भारतीय सिनेमा में एक बहुत बड़ा योगदान रहा और ये फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा के तौर पे जानी जाती है। इन्होंने भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र से लेकर सन 1997 की सुनील शेट्टी की फिल्म भाई तक फिल्मों में काम किया। ललिता पवार ने 9 बरस की उम्र से ही साइलेंट फिल्मों में अपना अभिनय करियर शुरू किया था और ललिता पवार ने फिल्म इंडस्ट्री में एक बेहद लंबा सफर तय किया। ललिता पवार का जन्म 18 अप्रैल सन 1916 में नासिक के जोला तालुके में हुआ था एक महाराष्ट्रीयन परिवार में। इनका एक्टिंग करियर शुरू हुआ सन 1928 में। ये बाल कलाकार के तौर पर साइलेंट फिल्मों का हिस्सा बनी थी। अपनी शुरुआती फिल्मों में ही ललिता पवार सिनेमा जगत की एक टॉप की हीरोइन बन गई थी। लेकिन साल 1942 में फिल्म जंगे आजादी के शूटिंग के दौरान ललिता पवार के साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि इस हादसे ने इन्हें एक हीरोइन से एक चरित्र अभिनेत्री बना दिया। दरअसल फिल्म जंगे आजादी के शूटिंग के दौरान अपने जमाने के मशहूर और मारूफ अभिनेता रहे भगवान दादा को इन्हें एक थप्पड़ मारना था, लेकिन ये फिल्मी थप्पड़ न होकर इन्हें इतनी जोर से लगा कि इनकी बाई आंख पूरी तरह से खत्म हो गई और 3 साल के लंबे इलाज के बाद भी इनकी ये आंख ठीक न हो सकी और फिर ललिता पवार बनी हीरोइन से एक चरित्र अभिनेत्री। अब हम क्या करें, उसके नसीब ही ऐसे। बतौर चरित्र अभिनेत्री इन्होंने बहुत सी फिल्मों में काम किया जिसमें राज कपूर की अनाड़ी, श्री 400 जैसी फिल्मों में इनके काम को बेहद सराहना मिली। इसी तरह गुरुदत्त साहब की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 में भी इनकी एक्टिंग देखते ही बनती है। रामानंद सागर के एपिक टेलीविजन सीरियल रामायण में इन्होंने मंथरा का किरदार निभाया था। ललिता पवार ने अपने जीवन काल में तकरीबन 550 फिल्मों में काम किया और साइलेंट फिल्मों से लेकर बोलती फिल्मों तक और ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा से लेकर कलर सिनेमा तक का सफर इन्होंने तय किया। ललिता पवार को भारत सरकार की ओर से फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा के खिताब से सम्मानित किया गया था। इसी तरह संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड और 1960 की फिल्म अनाड़ी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड की भी ये विजेता रही फॉर द बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस कैटेगरी। 24 फरवरी 1998 में 82 साल की उम्र में इनका निधन हुआ।